हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर इलेवेंथ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स तो इस वाले चैप्टर के हम जो है टू पार्ट्स बना चुके हैं जिसमें हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जो है पढ़ा था और उसमें जो है ब्लड के बारे में भी डिस्कस किया था ब्लड वेसल्स क्या क्या होती हैं कितनी तरह की होती हैं वो देखा था हार्ट और हार्ट के फंक्शन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और हार्ट बीट के बारे में भी देखा था इसके बाद जो है आज वाले जो वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल मतलब एनिमल में जो है एक्सक्रीशन जो है किस तरह से होता है उसको देखेंगे रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव मतलब कह रहा है कि हम लोग ये याद करने की कोशिश करेंगे कि कार्बन डाईऑक्साइड को हम लोग किस तरह से रिमूव करते हैं एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट फॉर्म में होती है उसको अपनी बॉडी के द्वारा जो है लंग्स के द्वारा जो है किस तरह से हम लोग इसको जो है रिमूव करते हैं एक्सहेलेशन के प्रोसेस में आल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग द एजिशन और इस बात को भी रिकॉल करेंगे कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फ़ूड है उसको हम लोग जो है एजिशन के समय किस तरह से उसको अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं लेटस नाव फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी तो कार्बन डाइऑक्साइड और अनडाइजेस्टेड फूड तो हम लोगों ने को पता है कि किस तरह से इसको रिमूव करते हैं फिर कह रहे हैं लेटस नाओ फाइंड आउट लेकिन अब हम लोग चलिए ये देखते हैं कि हाउ द अदर वेस्ट हमारी बॉडी में जो और दूसरे वेस्ट होते हैं दूसरे वेस्ट मटीरियल होते हैं आर रिमूव फ्राम द बॉडी वो हमारी बॉडी से किस तरह से रिमूव किए जाते हैं यू मे वंड वेयर दीज अनवान्टड मटीरियल कम फ्रॉम आपको ये आश्चर्य होगा कि ये जो अनवान्टड मटीरियल हमारी बॉडी में है ये कहाँ से आते हैं when आवर cell परफॉर्म their फंक्शन हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं जैसा आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टार्टिंग सेल्स होती है तो जो हमारे when आवर cell परफॉर्म their फंक्शन तो ये जो सेल हैं ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो जिस समय ये फंक्शन करते हैं तो क्या होता है सर्टन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज तो उस समय फंक्शन के समय जो है बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो रिलीज होते हैं दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस नीडेड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ये कैसे होते हैं टॉक्सिक होते हैं मतलब इनको जो है हमारे शरीर से जो है निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है नहीं तो ये क्या करेंगे हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाएंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ़ वेस्ट प्रोड्यूस इन सेल ऑफ़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन तो अब एक्सक्रीशन की क्या डेफिनेशन हो गई एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि क्या होता है हम वेस्ट को रिमूव करते हैं तो इसकी डेफिनेशन हो गई द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ़ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल मतलब ऐसे वेस्ट जो कि सेल में प्रोड्यूस होते हैं उनके जो रिमूवल का जो प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसी को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रिएटरी सिस्टम अब इसमें ये जो एक्सक्रीशन होता है इसमें जो जो पार्ट बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं तो अब ह्यूमन में एक्सक्रिएटरी सिस्टम किस तरह से होता है क्या होता है वो समझेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स द वेस्ट विच इज़ प्रजेंट इन ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी अब जो हमारी जो ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रेजेंट होते हैं उनके हमारी बॉडी से रिमूव करना उनको जरूरी होता है हाउ कैन दिस वी डन तो ये किस तरह से होता है ए मेकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड तो एक जो मेकेनिज्म होता है जिससे कि ब्लड को फिल्टर करना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है दिस इज़ डन बाई द ब्लड कैपलरीज़ इन द किडनी और ये जो ब्लड का फिल्टरिंग वाला जो मैकेनिज़्म है वो कहाँ पे होता है किडनी में जो ब्लड कैपलरीज़ होती हैं उनके द्वारा जो है ये फ़िल्टर करने का ब्लड के फिल्टर करने का प्रोसेस होता है वैन द ब्लड रीचेज द टू किडनी जब ब्लड जो है दोनों किडनियों में पहुँचता है इट कंटेन्स बोथ यूज़फुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस तो इसमें क्या होता है इस वाले ब्लड में दोनों तरह के सब्सटेंस होते हैं यूजफुल भी और हार्मफुल भी द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इन टू द ब्लड तो जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं ब्लड में उसको क्या करा जाता है उसको एब्जॉर्व करके ब्लड में वापस पहुँचा दिया जाता है द वेस्ट डिजोल्व इन वाटर आर रिमूवड एज यूरिन और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो जो है डिजोल्विन वाटर मतलब वाटर में डिजोल्व होते हैं और उनको यूरिन के द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इन टू द यूरनरी ब्लैडर और क्या होता है फ्रॉम द किडनी किडनी से क्या होता है जो यूरिन होती है वो कहाँ जाती है यूरिनरी ब्लीडर में जाती है थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स किसके द्वारा जाती है यूरेटर्स के द्वारा जाती है वो अभी हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे तो अब हम डायग्राम को देख लेते हैं कि ये जो है हमारा क्या है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये डायग्राम है जिसमें कि ये क्या है किडनी है ये दोनों जो है किडनी है अब अभी हमने बताया था कि किडनी से क्या होता है द यूरिन गोज़ इन टू द यूरिनरी ब्लैडर तो अब यहाँ से जो यूरिन है वो कहाँ पे जाती है इस किडनी से ये जो किडनी है यहाँ से यूरिन कहाँ पे जाती है ये जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पे जाती है और किसके द्वारा जाती है कहाँ से होती जाती है यूरेटर्स से अब ये जो पाइप जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है यूरेटर्स हैं तो किडनी से इस जगह से यूरेनरी ब्लैडर में जो है इन जो पाइप की तरह के आपके स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको हम लोग यूरेटर्स बोलते हैं इसके द्वारा जो है यूरिन जो, जो है यूरेनरी ब्लैडर में जाती है तो अब हम लोग आगे देखते हैं इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर्स अब ये कहाँ पे इकट्ठी हो जाती है ब्लैडर्स में इकट्ठी हो जाती है यूरिन एंड इस पास्ड थ्रू द यूरेनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कार्ड यूरे अब क्या होता है इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर अब ये जो ब्लैडर में जो है इकट्ठी हो जाती है तो अब यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो ब्लैडर कहाँ है इसमें कहाँ दिख रहा है ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पे यूरिन जो है इकट्ठी हो जाती है फिर आगे बता रहा है कि फिर क्या होता है इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज़ पासड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग और जो इसमें जो ओपनिंग होती है उसके द्वारा क्या होता है एट द एंड ऑफ मस्कुलर ट्यूब कार्ड यूरेथा मतलब इसके जो इसमें यूरेथा होता है जो यूरनरी ओपनिंग है ये हमारी जो इसमें देख रहे हैं आप यूरनरी ओपनिंग है और यहाँ पे क्या होता है उसके एंड में एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कार्ड यूरेथा उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूरेथा बोलते हैं तो अब इसमें जो जो हमने देखा तो ये हमारे फिगर जो 11.6 में अभी हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का जो देखा उसमें अब क्या क्या पार्ट होगा किसके किसके द्वारा जो है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं किडनी यूरेटर्स ब्लैडर यूरेथा फॉर्म द एस्क्रीटरी सिस्टम ये सभी के सबको मिला के हम क्या बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं एन ह्यूमन बींग नॉर्मली पासिस अबाउट वन टू वन पॉइंट एट लीटर ऑफ यूरिन मतलब एक जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें कितनी यूरिन पास होती है वन से वन पॉइंट एट लीटर यूरिन जो है पास होती है इन ट्वेंटी फोर आवर्स मतलब ट्वेंटी फोर आवर्स में इतनी यूरिन जो है पास होती है द यूरिन कंटेंस नाइन्टी फाइव परसेंट वाटर यूरिन में जो है नाइन्टी फाइव परसेंट वाटर होता है टू पॉइंट फाइव परसेंट यूरिया होता है और टू पॉइंट फाइव परसेंट जो है दूसरे जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वी हैव एक्सपीरियंस डेट वी स्वेट ऑन ए हॉट समर जैसे कि हमको सबको जो है ये पता है कि जब गर्मियाँ होती हैं तो हमको जो है क्या होता है पसीना आता है स्वेट मतलब पसीना आता है जब बहुत ज्यादा जो है गर्मी के दिन होते हैं द स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट अब स्वेट में क्या होता है पसीने में वाटर होता है और सॉल्ट होता है बूजू हैज सीन दैट समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन अवर क्लॉथ स्पेशली इन एरिया लाइक अंड्राम्स जो बूझो कह रहा है कि क्या होता है कि जब गर्मियों में जब हमको पसीना आता है तो आप के जो कपड़े हैं अगर डार्क कलर के कपड़े हैं तो इसमें आपको आराम से जो है आसानी से दिख जाता है कि उस कपड़े के ऊपर जो है वाइट वाइट पैचेस जो है हमको दिखाई देते हैं और कहाँ पे स्पेशली किस जगह पे अंडर आर्म्स की जगह पे दीज मार्क्स आर लेफ्ट वाई सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट ये जो हमको वाइट कलर के जो इस पैचेस दिखाई देते हैं कपड़े में वो किसके होते हैं स्वेट में मतलब पसीने में जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसके कारण ये पैजेज हमको दिखाई देते हैं डस स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन क्या ये जो पसीना होता है इसका कुछ और भी फंक्शन होता है वी नो दैट द वॉटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट इस कूलर जैसा कि हमको पता है कि जो वाटर को अगर हम अर्थन पॉट जिसको कि मटका कहते हैं उसमें रखते हैं गर्मियों के दिनों में तो वो ठंडा हो जाता है दिस इज बिकॉज ऐसा क्यों होता है द वाटर एवोपरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट पॉट में जो अर्थन पॉट में जो पोर्स होते हैं उसके द्वारा जो है वाटर जो है, है एवोपरेट होते हैं उसके कारण क्या होता है विस कॉजे कूलिंग और जिसके द्वारा क्या होती है कूलिंग होती है तो अब यहाँ पे देखेंगे द वे इन विच वेस्ट केमिकल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर द वे इन विच द वेस्ट केमिकल आर रिमूव मतलब एक ऐसा वे जिसके द्वारा वेस्ट जो केमिकल्स हैं उसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल एनिमल की बॉडी के द्वारा डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी मतलब जो है उसकी अवेलेबिलिटी पे जो है डिपेंड करती है किसकी अवेलेबिलिटी पर वाटर की द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एक्सक्रीट सेल वेस्ट एस एमोनिया अब जो एक्वेटिक एनिमल्स जैसे की फिशेज वगैरह होती है वो क्या करती है एक्सक्रीट सेल वेस्ट वो सेल वेस्ट जैसे की अमोनिया को जो है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो है निकालती है विच डायरेक्टली डिजोल वाटर जो की पानी में डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाता है सम लैंड एनिमल और कुछ लैंड एनिमल जैसे की बर्ड्स लिजर्ट स्नैक्स सेमी सॉलिड ये क्या करते हैं क्या एक्सक्रीट करते हैं सेमी सॉलिड व्हाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड द मेजर एक्सक्रिटिव प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया और ह्यूमन में जो मेजर एक्सक्रूटिव प्रोडक्ट है वो क्या है यूरिया है समटाइम्स ए पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग अभी तो अभी हमने देखा कि जो अभी आपको डायग्राम दिखाया ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का उसमें किडनी भी थी तो अभी हमने देखा कि किडनी का जो है बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में किडनी क्या करती है ब्लड को जो है फिल्टर करने का काम करती है और उससे जो है जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो निकाल दिए जाते हैं तो अगर हमारी बॉडी में जब किडनी जो है खराब हो जाती है तो क्या होता है तो फिर जो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो बेस्ट सब्सटेंस है उनको किस तरह से निकाला जाता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है समटाइम्स ए पर्सन किडनी में स्टॉप कभी कभी किसी पर्सन की किडनी जो है वो काम करना बंद कर देती है स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द इन्फेक्शन क्यों बंद कर देती है इन्फेक्शन के कारण या फिर कोई इंजरी हुई हो एज ए रिजल्ट द किडनी फेलियर उससे क्या होता है हमारी किडनी जो है फेल हो जाती है वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी कौन निकालता था किडनी बाहर निकालती थी अब वो हमारी बॉडी में क्या होने लगते हैं एक्यूमुलेट होने लगते हैं एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होने लगते हैं हमारे ब्लड में सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर ऐसा व्यक्ति जो है जिंदा नहीं रह सकता है जब तक कि उसका जो ब्लड है वो फिल्टर ना किया जाए समय समय पर थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी मतलब थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी मतलब आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा और ये जो आर्टिफिशियल किडनी जिसको हम बोल रहे हैं जिसके द्वारा समय समय पर ब्लड को फिल्टर किया जाता है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं डायलिसिस बोलते हैं इसके बाद देखेंगे सिमिलरली वेन वी स्वेट और उसी तरह से जब हम लोग स्वेट करते हैं जैसे कि अभी हमने बताया था अर्थन पॉट वाला एग्जाम्पल कि जब गर्मियों के दिनों में उसके जो पॉट में जो छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं उससे एवोपरेशन होता है जिसके कारण उसका जो वाटर है वो ठंडा हो जाता है तो उसी तरह से वी स्वेट जब हम लोग की बॉडी से भी जब पसीना निकलता है मतलब तो क्या होता है इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो कूल हो जाती है तो आज हम अपने वीडियो को जो है यहीं तक पढ़ते हैं इसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे लेसन को पढ़ लीजिएगा अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं थैंक यू